आज तक के कार्यक्रम सुनिए। वित्त मंत्री जी में बोले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सड़कों के मामले में अच्छे दिन जरूर आएंगे। गडकरी ने कहा भूमि अधिग्रहण आज भी देश की समस्या, भूमि अधिग्रहण के नियमों को बनाना होगा आसान। गडकरी ने कहा मैं न बिजनेसमैन हूं, न था न बनना चाहता हूं, बिना सरकारी अनुदान के अपने क्षेत्र के 15,000 युवाओं को दिया रोजगार। गडकरी ने कहा मैंने पूर्ति ग्रुप से कभी नहीं लिया मुनाफा, पैसे की कमी के लिए शुरू किया आईपीओ, कंपनी में मेरे शेयर सिर्फ 3,000 रुपए के। ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ना मैं था, ना मैं होना चाहता हूँ। मैं अपने दिमाग का उपयोग करके रोजगार को निर्माण करना चाहता हूँ, गरीबों की स्थिति को सुधारना चाहता हूँ। उससे कुछ मुनाफा भी मिल गया वो भी चले, मेरे पास मुनाफा है नहीं, अगर है मुनाफा तो आपसे बोले। आज तक के कार्यक्रम में बोले प्रकाश जावड़ेकर, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने में नियमों की अनदेखी हुई, नहीं। कार्यक्रम में बतौर वक्ता पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने जावड़ेकर को दी सलाह, प्राकृतिक संपदा और विकास में संतुलन बनाए सरकार। एनजीओ पर आई आईबी रिपोर्ट के मुद्दे पर बोले जावड़ेकर, कहा एनजीओ के सही कार्यों की करते हैं सराहना, पर्यावरण की दृष्टि से देशहित में लिए जाएंगे निर्णय। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण, गरीबी हटाना सरकार का लक्ष्य। गंगा सफाई पर भी बोले जावड़ेकर, कहा 7 जुलाई को होगा गंगा मंथन, कार्यक्रम में गंगा सफाई पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की ली जाएगी राय। मोदी की हाई स्पीड ट्रेन के सपने को पहनाया गया अमली जामा, दिल्ली से आगरा के बीच ट्रायल हुआ शुरू। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 11:15 पर रवाना हुई सुपरफास्ट ट्रेन। दिल्ली से आगरा के बीच अपनी फुल स्पीड पर दौड़ेगी ट्रेन, महज 90 मिनट में पहुंचने का लक्ष्य। आलू प्याज के बढ़ते दामों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई आपात बैठक, दिल्ली के उपराज्यपाल और अधिकारी होंगे शामिल। बैठक में प्याज आलू के भंडारण का लिया जाएगा ब्यौरा, जमाखोरों कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने की योजना। महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार उठाएगी कड़े कदम, कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल किए गए आलू प्याज, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने लिया फैसला। एपीएल और बीपीएल परिवारों में वितरण के लिए 50 लाख टन अतिरिक्त चावल देने का ऐलान। बीएससी के नेटवर्क में आई तकनीकी खराबी के चलते बीएससी में कामकाज ठप, खराबी ठीक करने तक बंद रहेगा शेयर मार्केट। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान, सक्षम अधिकारियों के सामने रखूंगा अपना पक्ष, दबाव के बावजूद नहीं बदली रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने की वीआईपीज को मिल रही सुरक्षा की समीक्षा, सूत्रों का दावा अमित शाह को मिलेगी जेड श्रेणी की सुरक्षा। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है अमित शाह, जेड श्रेणी सुरक्षा मिलने के बाद 22 सुरक्षाकर्मी करेंगे अमित शाह की सुरक्षा।
आधी आबादी को तोहफा देने की तैयारी, राष्ट्रीय महिला आयोग को ताकत से लैस करेगी मोदी सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास होगा गिरफ्तारी का अधिकार, किसी भी जगह छापेमारी का अधिकार। आयोग के पास जुर्माना लगाने का भी अधिकार, डीजीपी रैंक का अधिकारी जांच में सहयोग करेगा। कल से रेलवे की ओर से मिलेगा एक और तोहफा, वैष्णो देवी जाने वाले भक्त सीधा कटरा तक कर पाएंगे सफर। करीब 1050 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है 25 किलोमीटर का ट्रैक, 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरेगी ट्रेन। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी, कल से ही श्रद्धालु कर पाएंगे ट्रेन में कटरा तक सफर। लोकसभा चुनाव में हारे हुए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए आज दिल्ली में वर्कशॉप, राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। हार के कारणों पर होगी चर्चा, विधानसभा चुनावों की तैयारियों और संगठन की जिम्मेदारियों पर भी होगी बात। बद्रीनाथ यात्रा में आई अड़चन, लामबगड़ में बादल फटने से आई आफत। बादल फटने के बाद बह गया सड़क का 200 मीटर हिस्सा, फिलहाल रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा। राहत और बचाव कार्यों में जुटे सुरक्षा बल और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, जल्द यात्रा दोबारा शुरू करने का दावा। पूरी जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में बड़ी कामयाबी, विस्फोटक सप्लाई करने वाला जाहिद हुसैन गिरफ्तार। बीती रात कोलकाता रेलवे स्टेशन से कोलकाता एटीएस ने की जाहिद हुसैन की गिरफ्तारी, दरभंगा मॉड्यूल से जुड़े हैं जाहिद के तार। मुंबई के पल्लवी पुरकाश मर्डर केस में सजा सुनाई गई अदालत, 30 जून को कोर्ट ने सोसाइटी गार्ड पर किए थे आरोप सिद्ध। पल्लवी के परिवार ने की है आरोपी सोसाइटी गार्ड के लिए फांसी की सजा की मांग। सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद अहमद ने किया था मुंबई के एडवोकेट पल्लवी पुरकाश का मर्डर, फ्लैट में घुसकर की थी हत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के दुख भरे दिन बीते, छोटा कमरा छोड़कर अब बंगले में रहेंगी हीराबेन। प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी ने खरीदा है गांधीनगर के रायसन में बंगलो, जल्दी ही बंगलों में शिफ्ट करेगा परिवार। सड़क परिवहन, हाईवे और शिपिंग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने किया दिल्ली आगरा 6 लेन प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण। कृष्णपाल गुर्जर ने निर्माण में पाई खामियां, 1 हफ्ते के अंदर खामियां दूर कर रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। 2015 में मेदाबाद से आगरा इस काम का कंप्लीशन, तो इसमें गति कैसे लाई जाए, खासतौर से इसके लिए आज इंस्पेक्शन था। व्यापम घोटाले के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान ने दी कांग्रेस को चुनौती, आरोप सिद्ध हुए तो ले लूंगा राजनीति से संन्यास। एक भी आरोप अगर सच हो गया तो संन्यास लेके मैं चला जाऊंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सभी 27 विधायक करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात, 6:30 बजे होगी मुलाकात।
आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी कर रही है विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश। अरविंद केजरीवाल ने लिखी राजनाथ सिंह को चिट्ठी, कहा बीजेपी के कुछ लोग कर रहे हैं विधायकों को तोड़ने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, बिजली समस्या के जल्द समाधान के लिए की अपील। अखिलेश के अपील, सेंट्रल पूल से उत्तर प्रदेश को मिले ज्यादा बिजली, मानकों में किए जाए बदलाव।